अरे तुम्हारा अगर कोई चक्कर चल ही रहा था इस लड़की के साथ तो उस बच्चे की शादी क्यों करवा दी, इसका अली का निकाह क्यों पढ़वा दिया इसके साथ तुमने? सिर्फ अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए और क्या? पापा ये क्या कर दिया आपने? आपकी तो बख्शिश भी नहीं होगी पापा। खामोश, बंद करो ये बकवास। मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता हूँ। शर्म? अरे शर्म से तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। तुम इंसान नहीं वैशी हो, वैशी समझ आए? हरी आसिम, तुम लोगों को कैसे यकीन आएगा कि तुम्हारा बाप ऐसी हरकत कर सकता है? अरे जो कुछ देखा है वही दोहरा रहे हैं ना, अपने पल्ले से तो कुछ नहीं कह दिया ना तुम्हें। अपनी हालत को देखिए, उसके बावजूद इनकार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं हमसे कि आपने ये नहीं किया। अली अली ये सब झूठ है बेटा। अल्लाह मेरी तौबा। अरे रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी तुम मुकर रहे हो, भाई तुम तो बहुत बड़े शैतान हो। अरे शर्म कर लो, जवान बेटों के सामने इतनी गंदी हरकत करने के बावजूद शर्म तो तुम्हें आएगी नहीं। अरे कुछ तो बोलो ना तुम। अली तौबा, ये सब झूठ है। अबे भाई ये कुछ नहीं किया, मारो हमें, खुदा गारत करे तुम्हें। अरे डूब के मर जाओ शैतान, शैतान। आपकी तो बख्शिश भी नहीं होगी पापा। मर गई आयमा, जनाजा उठ गया इसका। तेरे इस अब्बा ने ना आयमा की इज्जत तार तार कर दी है। पापा ये क्या कर दिया आपने? बल्कि मैं क्या यूं करूंगी कि शैतान को भी मार देगी तुमने। अरे तुम्हारा अगर कोई चक्कर चल ही रहा था इस लड़की के साथ तो उस बच्चे की शादी क्यों करवा दी, इसका अली का निकाह क्यों पढ़वा दिया इसके साथ तुमने? अरे डूब के मर जाओ शैतान, शैतान। आपकी तो बख्शिश भी नहीं होगी पापा। मर गई आयमा, जनाजा उठ गया इसका। तेरे इस अब्बा ने ना आयमा की इज्जत तार तार कर दी है। अच्छा रायमा, रोना बंद कर प्लीज। रोने दीजिए मुझे, मुझे मेरे पापा की लुटी हुई इज्जत पे रोने दीजिए। रो लो रायमा, मैं भी रोता हूँ। मेरा फखर, मेरे गरूर का बुत पाश हो गया, किर्ची किर्ची हो गया मेरा ये, मेरा यकीन किर्ची किर्ची हो गया। वो शख्स जिसकी शराफत, जिसका किरदार मेरा ईमान था, रहमत टूट गया, मेरा तो सारा ईमान टूट गया। अरे किसकी शराफत, किसके किरदार की कसम खाऊंगा? रहमत, मैं किधर जा? जल्दी
छोड़िए। रायमा, रायमा, हम इसके काबिल नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम पर जुल्म हुआ है। तुम खुद ऐसी नहीं हो बेटा, खुद ऐसी नहीं हो। अरे माँ, बेशरम बेहया, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूं। अरे रामा बीबी, क्या कर रही है? इसका क्या कसूर है? वो साहब इसका कसूर पूछ रही है। इसका कसूर तो है, किसी को मैं तो कोई नहीं सकती। तुम मर क्यों नहीं गई आयमा? मर क्यों नहीं गई तुम? मर क्यों नहीं गई तुम? छोड़ दो इसको। मर क्यों नहीं गई? अरे रायमा, रायमा छोड़ो उसको, मर जाएगी वो, छोड़ो उसको। क्यों उसके नपाक वजूद को खत्म करने का इल्जाम अपने सर लगाती हो? छोड़ दीजिए मुझे। आज मैं इसे मार के अपने माँ बाप की लूटी हुई इज्जत में लगे मैं दांत का बदला लूंगी। छोड़ दीजिए मुझे। रायमा, इसको छूकर अपने हाथ क्यों नपाक करती हो? इसने और पापा ने मिलकर मेरी अम्मी की कब्र की मिट्टी को नापाक कर दिया है। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। रायमा, संभालो खुद को। आज मैं सबसे बाबा की लूटी हुई इज्जत का बदला लूंगी। आपको तो कहीं जाके गुम हो जाना चाहिए था। छोड़िए आयमा का हाथ। आपने मेरे बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मेरे बाप ने अपनी इज्जत आपके पास हमारे हाथ रुकवाई थी। आप एक बेईमान इंसान है। छोड़िए आयमा का हाथ। कहाँ ले जा रहे हो आप? ये लोग घर छोड़ के जा रहे हैं तो इन्हें जाने दो ना। तो ऐसे कैसे जा सकते हैं ये लोग? रायमा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। कल फैसल ने मुझे धमकी दी थी। क्या? यही कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर आके बर्बाद कर दूंगा। और देखे, मैं बर्बाद होकर। बैठो इधर, बैठो। खुद को संभाल क्यों नहीं रहे? तो तुम्हारा मुजरिम है, उसकी जान क्यों नहीं लेते हो? अपनी जान क्यों दे रहे हो? जो हम सबका मुजरिम है, उसकी जान लो ना। छोड़े। देखो मेरी तरफ। अरे यो डायन, अगर डाका ही मारना था तो दो घर छोड़ के मार लेती, जरूर यहीं पे तुझे मौत पड़नी थी। कुछ तो अपने रिश्ते की लाज रखी होती आयमा। छोड़िए मुझे यहां से भाई। मुझे शर्म नहीं आ रही उसका हाथ पकड़े हुए, तो तुम्हें क्यों आ रही है? आज मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इन दोनों की जान ले लूंगा मैं। आज मेरे हाथों दो कत्ल होंगे और दो शैतान मेरे हाथों जहन्नुम में रसीद होंगे। आज भाई ये लोग घर छोड़कर जा रहे हैं तो इन्हें जाने दो ना। तो ऐसे कैसे जा सकते हैं ये लोग? हाँ मैं तुम्हें तलाक देता हूं। कयामत के दिन तक तो मेरी मुजरिम हो आयमा। गंदगी का ढेर है तुम्हारा वजूद। मैं तुम्हें तलाक देता हूं आयमा। तुम्हारा वजूद
इंसानियत का दुश्मन है। तलाक देता हूं मैं। किस्मत भी क्या क्या मंजर दिखलाती है, बिजली गिरा के दिल पर पानी बरसाती है। मुझे लगता है हमारी राह में कांटे ही कांटे पीछे होंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारा सफर बहुत कठिन है? हम साथ होंगे ना तो रास्ते के कांटे भी फूल बन जाएंगे। बस हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। बूंद बूंद बारिश की शोला बन जाती है, बस इतनी सी कहानी है, पहली जिंदगानी है। आसिम, आसिम क्या हो गया? तुम खुद को संभालो। यार मैं कैसे खुद को संभालू, मेरी तो दुनिया लूट रही है। देखो इस तरह करने से तो कुछ नहीं होगा, डॉक्टर्स कर रहे हैं ना अपना काम। देखो अपने आप को संभालो, इस तरह क्यों सिचुएशन को खराब कर रहे हैं? ऐसे हमारे घर को दुखों ने घेर लिया, पहले लीजा और मेरा बच्चा, फिर मामा, उसके बाद हमारे घर की इज्जत लूट ली किसी ने, और अब भाभी और तुम्हारा बच्चा। अगर 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 रहमा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? अरे मैं किससे शिकवा करूंगा? अरे मेरे बाप ने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। अरे कुछ नहीं होगा, बस चलो आओ उधर बैठो। कुछ नहीं, चलो कुछ नहीं होगा, मैं चल के बैठूं, दुआ करते हैं। आय मां, तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करती हो? तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूं? नहीं, मैं लाख गुनाहगार सही, लेकिन मैं अपनी इज्जत कैसे नीलाम कर सकता हूं? मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी, इसलिए कि हालात ने मुझे मुजरिम बना दिया। आय मां, मैं अल्लाह और उसके रसूल की कसम खा के कहता हूं कि मैंने ये जुर्म नहीं किया। मुझे कयामत के रोज शफात नसीब ना हो अगर मैंने ये सब कुछ किया हो तो। नहीं, नहीं। मैं मस्जिद में जाकर कसम खा सकता हूं कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। मेरे फोन पर तुम्हारा फोन आया था, मैं तुम्हारे कमरे में गया, उस वक्त वो शैतान जा चुका था। नहीं, नहीं, नहीं। तुम होश में आई और मुझे मुजरिम करार दे दिया। डॉक्टर साहब, आप कुछ बताएं तो सही। आसिम साहब, मैं आयमा को हमेशा से खबरदार करती आई हूँ कि स्ट्रेस ना ले, बेड ना छोड़े, फिर ये क्या हुआ उसके साथ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से कहीं दौड़ी है या गिर गई है, कोई धक्का लगा है उसको। डॉक्टर साहब मैं क्या बोलूं, सही है तो बता दें कि आप रायमा को बचा लेंगे।
देखिए हमारी तो कोशिश होगी कि हम दोनों को बचा लें। बहरहाल आप अपने बच्चे की तरफ से तो नाउम्मीद हो जाएं। डॉक्टर साहब आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी भाभी का पहला बेबी है, कुछ तो कीजिए। देखिए हमें ऑपरेशन करना होगा और हो सकता है कि आइंदा दोबारा ये माँ भी ना बन सके। उसकी हालत तो पहले से इतनी ख़राब थी, अब ये सिर्फ हमारा ओपिनियन ही हो सकता है, बाकी अल्लाह का आदेश है। आप प्लीज़ जल्दी साइन करें ताकि मैं ऑपरेशन जल्दी करूँ। इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। देखो बेटा, यहाँ तुम्हें किसी भी चीज से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, ये मेरा घर है और यहाँ तुम्हें अगर किसी ने मैली आंख से भी देखा ना तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा, चाहे वो मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। ठीक, कमाल, आयमा इस हालत में आपके साथ यहाँ पर क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? फैसल कहाँ है? फैसल, फैसल तो सो रहा होगा, लेकिन अब मुझे ये तो बताइए कि आयमा की हालत किसने की है? तुम्हारे बेटे ने जो वाहियात हरकत की थी ना अली और आयमा के साथ, उसकी अली ने सजा दी है आयमा को, तलाक दे दी है। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप, अली ने आयमा को तलाक दे दी? अब ये एक दो दिन हमारे साथ रहेगी जब तक इसके वालिद का घर खाली नहीं हो जाता किराएदारों से, और फैसल को समझा देना कि इसके कमरे की तरफ रुख भी ना करे, समझी? ठीक है, मैं समझा दूंगी उसे। आओ बेटा और नाश्ता लगवाओ इसके लिए। आयमा को तलाक हो गई मगर फराज भाई? आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठो, बैठ जाओ। बेटी यहां तुम अकेली नहीं हो, समझना तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। देखो बेटा, तुम्हारा मुजरिम जो भी है सामने आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा मुजरिम वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। कल फैसल ने मुझे धमकी दी थी। क्या? यही कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर आके बर्बाद कर दूंगा, और देखे मैं बर्बाद होकर अली ने। देखो बेटा, अली बहुत बदनसीब है जो उसने ये कदम उठाया। अली को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अली के पास और रास्ता भी क्या था? छोड़ो बेटा, जख्मों को जितना कुरेदा जाए उतनी ही तकलीफ देते हैं। मेरा जख्म तो मेरी रूह के लिए नासूर बन गया ना, जो बगैर कुरेदे मुझे हर लम्हा डसता रहेगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? देखो बेटा, हौसला करना है तुम्हें, हिम्मत से जीना है। अच्छा देखो, नाश्ता कर लो थोड़ा सा, सही कर ले। अच्छा थोड़ा सा दूध तो पी लो। ये लो थोड़ा सा दूध पी लो, थोड़ा सा पी लो, चलो शाबाश।
तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। क्या क्या क्या, अरे पागल हो गए ओली, ये तुम्हारी माँ का भी तो घर है। इस घर में मेरी माँ की इज्जत को पैरों तले लौंड डाला। मेरी माँ ने जिन रिश्तों को दामन में समेट के रखा था उनका कत्ल कर दिया। मेरी माँ की कुर्बानियों को और खुलूस को हवस का शैतान निगल गया। अरे बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर अब तो दोनों शैतान निकल गए ना इस घर से। एक बात कहूँ, तुमने आयमा को तलाक देके कुछ अच्छा नहीं किया, अरे छुट्टी दे दी उसको खुली। तो आयमा ने कब निकाह की लाज रखी? हाँ मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला दोबारा उनकी सूरतें ना दिखाए। फयाज तुम? अरे तुम यहाँ क्या करने आए हो? वैसे किस कदर बुरे इंसान हो तुम, अपने बेटे की इज्जत को खाक में मिलाकर शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे कम से कम इस बच्चे का ख्याल कर लेते, लेकिन ना उसके सामने ही मुंह उठा के फिर आ गए। मुझे तो शर्म आती है आपका अपना पाप कहते हुए। आंटी इनसे कह दे जिस घर में मेरी माँ के पाक कदम पड़े हों वहां इनके नापाक वजूद की कोई जगह नहीं। सुन लिया फयाज, अब तो शर्म कर लो। अरे तुम्हें नहीं पता बेटा, उस मनहूस को ये कहीं छोड़ के आए होंगे। अब जाएंगे और जाके चुपके से उसके साथ निकाह कर लेंगे, इनको ना शर्म ना हया। अरे बेटा अयास, अरे बेटा तुम तो हॉस्पिटल गए थे ना, क्या हुआ बच्ची राइमा का? बुरी खबर है खाला, अगर भाभी बच भी गई तो महा नहीं बन सकेंगी कभी वो। मेरे अल्लाह ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? ये सब कुछ इनकी वजह से, इनकी वजह से भाभी आज अपनी औलाद खो रही, अपनी जान को दांव पे लगाया हुआ उन्होंने सिर्फ इनकी वजह से। ये इंसान जो है ना, ये शकीला का भी दुश्मन है, उसका तो है सो है, इरम का भी दुश्मन है, और तो और उसके बच्चे के साथ इसने क्या सलूक किया, अरे खुदा पूछेगा इसको। मैं कहां तक अपनी बहन का दुख बर्दाश्त करूं, अब तुम बच्चों का भी बर्दाश्त करो, सब बच्चे छोड़ के चली गई मेरी बहन। कयामत के रोज देखना तुम्हारा गरेबान होगा और मेरी बहन का हाथ होगा। मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ, बद्दुआएं दे सकती हूँ। अरे चले जाओ, क्या देख रहे हो मेरा तमाशा, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। बेटा पानी ले। हाय 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 हाय। फैसल कल रात कब घर लौटा था? फैसल तो घर से निकला ही नहीं था, वो तो कल सारा दिन घर पे ही था, उसको इतना तेज बुखार जो है। तुम्हें यकीन है? कमाल सच सच बताए ना, क्या हुआ है? पता है, तुम्हारे बेटे की लगाई आग ने आयमा का दामन जला डाला है। या अल्लाह, क्या अली ने फयाज भाई से सवाल कर डाला? हाँ, मगर फयाज ने हल्फन कहा है कि वो आयमा को अपनी बहू नहीं बेटी समझता है। ये जो शकीला भाभी की बहन है ना जमीला आपा, लगाई भुजाई की माहिर है, मुझसे भी कितना बड़ा गुनाह हो गया, मैं उनकी बातों में आ गई,
यकीन कर लिया उनकी बातों पर। और तुमने अपना जहर फैसल के जहन में उतार दिया, जिसकी वजह से एक मासूम लड़की का घर उजड़ गया। सलमा, इसमें तुम और तुम्हारा बेटा बराबर के शरीक हैं। कमाल, मैं मानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं आयमा से माफी मांग लूंगी। कमाल, अब आयमा को तो तलाक हो ही गई है, क्यों ना हम आयमा को अपनी बेटी बना लें? सलमा, देखिए कमाल, आप खुद सोचे, मुझसे और फैसल से इतनी बड़ी गलती हुई, उसका अजाला हम इस तरह ही कर सकते हैं कि आयमा को अपने घर की इज्जत बना लें। मुझे कुछ सोचने का वक्त हो। वो फैसल कल रात कब घर लौटा था? फैसल तो घर से निकला ही नहीं था, वो तो कल सारा दिन घर पे ही था। उसको इतना तेज बुखार जो है, तुम्हें यकीन है? आपके सामने तो डॉक्टर ने आके उसे चेक किया है और फिर उसे नींद की दवाएं भी दे दी। बेचारा अभी तक सो रहा है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं फैसल के बारे में? वैसे ही तुम फैसल को समझा देना कि कोई वो ऐसी वैसी हरकत ना करे। आयमा यहां आने के लिए तैयार नहीं थी, मेरे यकीन दिलाने पर आई। आप परेशान मत हो, मैं फैसल को समझा दूंगी। अल्लाह ने आकर मेरे बेटे की सुन ली। नईम, नईम। जी साहब। वो कल रात फैसल घर से बाहर गया था? नहीं साहब, मैंने तो कल सुबह से फैसल साहब को बाहर जाते हुए नहीं देखा। रात को तुम ही थे गेट पर? जी साहब, मुझसे तो चौकीदार को तो आपने दो दिन की छुट्टी दी है। तुम्हें यकीन है? जी साहब, मैं कल से एक मिनट के लिए गेट से बाहर नहीं गया। अच्छा ठीक है। जी ठीक है साहब। शकीला, मैंने तुमसे कभी भी बेवफाई का तसव्वुर भी नहीं किया। क्या तुम मुझे इतना ही घटिया समझती थी? मेरी अपनी औलाद ने मुझे इस हद तक गिरा दिया, इतना घटिया इल्जाम नहीं। हेलो वकील साहब, मेरी बात गौर से सुनिएगा और इस कॉल को रिकॉर्ड पे लगाइए। जी भैया सर। आपने मेरी कॉल रिकॉर्ड कर ली है? जी, क्या कह रहे हैं भैया साहब? अब नहीं नहीं मैं आ रहा हूं आपके पास। हेलो, अब यार फोन ही बंद कर दिया इन्होंने। कमाल साहब, आता हूं। हेलो हेलो कमाल साहब, क्या मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं।
इधर आओ। अयाज भाई प्लीज मुझे जाने दीजिए। बैठो इधर। पापा के होते हुए एक पल भी इस घर में नहीं रह सकता। देखो मैं जानता हूँ तुम्हारे ससुर में, तुम्हारी गैरत इस बात की इजाजत नहीं दे रही कि तुम अपने बाप की शक्ल देखो। मैं इस बात को भी समझो कि आसिम के बच्चे की हेड बॉडी आने वाली है थोड़ी देर में, हमें सब कुछ की तस्वीर भी करनी है। खुद की इज्जत और गैरत का जनाजा निकलता तो देखी है मैंने, अब किसी और के जनाजे को क्या कंधा दूंगा यास भाई। अली प्लीज, रायमा भाभी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, प्लीज मत जाओ। मुझे अभी किसी रिश्ते की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता उसी ने मुझे डस लिया, कोई और रिश्ते से क्या तवक्को रखनी। जिस घर में मेरे ही बाप ने मेरी इज्जत और गैरत का कत्ल किया हो, मैं उस घर में नहीं रह सकता। आज भाई जाने दीजिए मुझे। खुशी कर ली तुम्हारे बाप ने, हाँ मैं मर गई, खून देखो। ये क्या हो गया? सबर करो, पछतावे ने शर्मिंदगी ने इनको जान लेने पर मजबूर कर दिया। फयाज ये क्या किया तुमने? मेरा इंतजार तो किया होता मेरे दोस्त, ताकि मैं इन अकल के अंधों को बता सकता कि मेरा दोस्त बेगुनाह है। कोई बाप अपनी इज्जत के साथ नहीं खेल सकता। ये हमारे घर का मामला है, आप जाइए यहां से। तुम बकवास बंद करो। तुम तो सौतेले थे, मुझे इनसे पूछ लेने दो। इनकी गैरत कहां मर गई थी? इनकी शर्म और हया पर क्यों धूल जम गई? अली तुमने अपने बाप पर इतना घटिया इल्जाम लगा दिया, तुम्हें मौत क्यों नहीं आ गई? वो बाप जो तुम्हारा साहिबान था, उसे ऐसी बेबसी की मौत मरने पर क्यों? अरे कमाल, तुम्हें नहीं पता फयाज और उसका आयमा का। आप खामोश रहे, सारे फसाद की जड़ आप हैं। आपने बाप बेटी के रिश्ते को पामाल किया है। आपने वो गुनाह किया जिसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। और कहां है वो बेटा जो कहता था कि मेरा आइडियल मेरा बाप है, जिसे फयाज ने मां और बाप दोनों बनकर पाला? कैसे इस मासूम इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया? कहां है आसिम? आसिम ओके, I'll call you back. जी आसिम साहब। डॉक्टर साहब कैसी है रायमा? ठीक है, हमें मजबूरन ऑपरेशन करना पड़ा। और देखिए डॉक्टर साहब, प्लीज मुझसे कुछ छुपाइएगा मत, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ। आपके यहाँ बेटा हुआ है लेकिन इमेच्योर है, हमें उसको कम से कम 2 माह तक NCU में रखना होगा। अगर जिंदगी रही तो जी जाएगा, वरना। डॉक्टर साहिबा, मुझे नहीं लगता बच्चा सरवाइव कर पाएगा, उसकी हार्ट बीट ना होने के बराबर। अगर जिंदा भी रहा तो एबनॉर्मल हो सकता है। डॉक्टर साहिबा, आपको तो ये भी यकीन नहीं था कि रायमा या उसका बेबी बचेगा। देखिए ना, दोनों जिंदा हैं। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है। देखिए, इसी यकीन और अल्लाह पे भरोसे के साथ ही मैंने ऑपरेशन किया। मैं रायमा या बच्चे से मिल सकता हूँ? नहीं, अभी आप रायमा से तो नहीं मिल सकते। हाँ, बेटे से मिलवा दूंगी, थोड़ी देर बाद हम उसको नर्सिंग में शिफ्ट कर रहे हैं, आप मिल लीजिए उससे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।
जी वकील साहब। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? या खुदा। आसिम आर यू ओके? अच्छा है माँ, बस भी करो, क्यों रो रो कर खुद को अलकान कर रही हो? तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसे शख्स से तुम्हारी जान छूट गई जो तुम पर शक करता था। चलो इधर देखो मेरी तरफ, बस करो। मुझे यहाँ नहीं रहना, अंकल को बुलाए। ठीक है, मैं फयाज भाई को बुला लूंगी और तुम यहाँ से चली भी जाना, लेकिन खुद ही सोचो कि तुम जाओगी कहाँ।